वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 और 23 के बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। बजट में मुख्य फोकस रोजगार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा है, लेकिन टैक्स को लेकर किसी भी तरह से राहत नहीं मिली। लोग अपने घर के चूल्हे को कैसे जलाए, इससे लेकर उनके मन में कई सवाल है। आइए जानते हैं नेता और आम लोगों की बात। निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट सदन में पेश करते समय जिस तरह से चीजों को रखा, 3 साल में 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई, ये साबित हो गया कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान जो 2014 में किया गया था वो जुमलेबाजी थी। इस बजट में कहा गया कि इस साल 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, 2022 तक हर आदमी का अपना मकान होगा, ये भी मोदी साहब का ऐलान, इससे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो गया। इस बजट में किसानों की आय दोगुनी 2022 तक कर देंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। MSP का कानून बनेगा, कोई ऐलान नहीं किया गया। कुल मिला के जो मध्यम वर्गीय नौकर वर्ग है, महंगाई के कारण उन्हें लग रहा था कि जो इनकम टैक्स की सीमा कुछ बढ़ाई जाएगी, उन्हें भी कोई राहत नहीं दी गई। कुल मिला के डिजिटलाइजेशन के नाम पे बजट पेश किया गया है। तंत्र ज्ञान ये हर सरकार इस्तेमाल करती है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे घोषणा करके बजट पेश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आम आदमी को लगे कि मेरा अपना बजट है, हमारे जीवन में कोई बदलाव आएगा। ना किसान, ना नौजवान, ना नौकरदार, ना आम आदमी, सभी लोगों के हाथ में निराशा लगी है, ये सच्चाई है। केंद्र सरकारचा, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पुन्हा एकदा आज जाहीर केला गेला। एकंदर त्याचं स्वरूप पाहिलं तर फक्त आकड्यांचे फुलोरे फुलवण्याचं काम आणि भव्य दिव्य स्वप्न दाखवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आपल्याला स्पष्टपणे दिसतंय। गुलाबी स्वप्न निर्माण करायचे आणि वस्तुस्थितीमध्ये मात्र काही नाही, हे अनुभव आपण 7 वर्ष घेतो आहोत। मागील वर्षाचा अर्थसंकल्प जरी आपण आठवला आणि त्यावेळेस त्यांनी दिलेली आकडेवारी आणि दाखवलेले स्वप्न, दाखवलेला विकास दर हा मुद्दाम तपासून पहा, वर्षभराच्या कारभारामध्ये आपला भ्रम निराश झालेला दिसल्याशिवाय राहणार नाही। सरकारी कंपन्या विकणे, टॅक्स आणि इंधनाचे दर वाढवणे, यापेक्षा वेगळं धोरण त्यांचं कधी राहिलेलं नाही। सर्वसामान्याच्या खिशातून पैसे काढून घेण्याचं कार्यक्रम 7 वर्ष चाललेला आहे। सर्वसामान्यकरता काहीही करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला नाही, तशी इच्छा सुद्धा त्यांची नाही। 100 स्मार्ट सिटी, संसद आदर्श ग्राम योजना, कुठं कुठं त्याबाबतीत तर काही बोलायला सुद्धा तयार नाही। आता कोविडच्या काळामध्ये संपूर्णपणे देश खूप कठीण काळातून गेला, विशेषतः गरीब माणूस कठीण परिस्थितीतून गेला, छोटे छोटे उद्योगधंद्यावाले कठीण परिस्थितीतून गेले, यावेळेस काहीतरी त्यांना आधार देणारं आणि प्रत्येकाला 2 लाखपर्यंत मदत करणारं, प्रत्येक जो मृत झाला असेल त्याला 2 लाखपर्यंत मदत करणारा अशा प्रकारच्या निर्णयाची अपेक्षा होती, कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा या बाबतीतली दखल घेतलेली आहे। बेरोजगारी वाढत असताना आपल्या सर्वांना दिसते आहे, परंतु त्या बाबतीत सुद्धा कोणताही विचार, युवकांकरता कोणताही विचार या अर्थसंकल्पामध्ये नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। एकंदर केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा वर्षाची दिशा ठरवतो, यांच्या वर्षाची दिशा जी आहे ती भ्रम निराश करणारी आहे। मागील 7 वर्षाप्रमाणे या वर्षी सुद्धा आपल्या शब्दाचे फक्त फुलोरे त्यांनी फुलवलेले आहे, वस्तुस्थितीमध्ये मात्र हे वर्ष सुद्धा आपल्या सर्वांकरता निराश करणारं ठरणार आहे असं मला वाटून जात आहे। आणि म्हणून हा अर्थसंकल्प अत्यंत निव्वळ अर्थसंकल्प आहे, बाकी मात्र तो अर्थहीन आहे। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देश को संभाला है, वित्त मंत्री जी ने ये बजट उसी आकांक्षाओं के ऊपर गति शक्ति से लगाकर टेक्नोलॉजी के नए आयाम से स्टार्टअप को और इंसेंटिव देता हुआ ये बजट है। सामान्य वर्ग के लिए राहत और देश में नई तरीके की सुबह करने का ये बजट है। पिछले 2 साल में जो कवर नहीं हुआ है वो इस बार होगा, लेकिन कुछ ज्यादा चेंज भी नहीं है। खाली टैक्स का रिडक्शन हुआ है, वो तो आगे की बात है, वो तो अभी अप्लाई होगा, कब होगा और तब तक क्या करेंगे, तो मेजर कुछ तो है नहीं। वही है, वही घिसना है, वही है। अब उम्मीद तो थी
बड़ी उम्मीद थी कि दो साल के लॉकडाउन के बाद तो बिजनेस में कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टर्स को भी टैक्स बढ़ा दिए है तो इन्वेस्टर्स भी अभी हटेंगे तो वो भी सब है, प्रॉब्लम्स तो है, कुछ कम नहीं हुआ है, सेम है। मिडिल क्लास वाले लोग और लोअर मिडिल क्लास, उनके पास इतने सुविधा तो है नहीं कि ये सब डिजिटलाइजेशन और जैसे एजुकेशन ऑनलाइन हो गया है उस रिलेटेड इक्विपमेंट्स और सब चीज़ें घर पे लेके आना, तो उस सारी चीज़ों में भी कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई उसमें कुछ वेवर्स या कुछ ऑफर्स या कुछ तो जो लोकल लोग है, चलो मिडिल क्लास लोग मैनेज कर लेंगे लेकिन उनके लोकल उनसे जो कम है वो लोग कैसे करेंगे, इससे तो लैकिंग ही होगी। एजुकेशन जैसे बढ़ रहा है लेकिन ये लोअर क्लास के तो पीछे ही चली जाएगी क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं उन लोग ले सकते हैं, ना गवर्नमेंट देगी तो कैसे वो लोग करेंगे। और डिजिटलाइजेशन ये सब तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग के लिए प्रॉफिटेबल है, ऑफकोर्स उनके ऐप्स होंगे उनके ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो उनके लिए ठीक है, बट मिडिल क्लास लोग और उनके नीचे वाले वैसे के वैसे ही है। हमारा घर चलाना बहुत तकलीफ़ होता है, ये ऐसे चलेगा तो बहुत तकलीफ़ में आएगा। कोरोना के टाइम में थोड़ा तो सुविधा होना चाहिए, वो नहीं मिलते हम लोग को, वही प्रॉब्लम हर महीने को जा रहा है। लेकिन जो ठीक है, हम लोग पैसा देने वाले हैं, टैक्स हम लोग भरते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं आया है। किसानों को जा रहा है, बच्चों लोग का एजुकेशन का जो फीस था वो फीस, मतलब स्कूल बच्चे लोग ऑलमोस्ट दो साल एक भी दिन गए नहीं स्कूल में, इसके बावजूद भी वहाँ पे फीस लिया जा रहा है। कोचिंग क्लासेस का भी सेम वही सिस्टम है, कुछ देखा नहीं जा रहा है, मतलब क्या किया जाए इसके लिए, मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में कि जो इनकम टैक्स में कुछ वेव मिलेगा, क्योंकि दो साल से ऑलरेडी बिजनेस वैसे भी ठप हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ, मतलब ऐसा फ्यूचर दिखा रहे हैं कि मतलब दो साल के बाद में ये हो जाएगा, तीन साल के बाद में ये स्टार्टअप चालू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट अभी हो जाएगा और होने वाला है। मतलब जो आज प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखना चाहिए था, फ्यूचर में तो जो होगा तो होगा ही। मिनिस्टर ने कहा है अगर उनका स्पीच पॉजिटिव जाएगा तो बिजनेस आगे उठेगा, लेकिन जो स्पीच उन्होंने दी है उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि पॉजिटिविटी है। ऑलरेडी बहुत लॉस सफ़र किए हैं बट अभी फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट दिख रहा नहीं है, तो इन फ्यूचर तो लगता नहीं ऐसा कि बिजनेस उठेगा या बिजनेसमैन बेनिफिट ले पाएगा ज़्यादा।